Assalamualaikum, my dear students. My name is Saqib and I welcome you to this batch that is UKAV 1.0. So, kal jaise humne inverse proportion ke kuch questions kiye the. Now, today we will complete the inverse proportion. Or next class mein hum next topic par badhenge. Okay? Mostly we will be starting with exponents and power, jo aapke term 1 ke exam mein hai. Now, let's start. What is your? Kya hota hai aapka inverse proportion? So मैंने बताया था इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है अदर क्वांटिटी डिक्रीज, या अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है अदर क्वांटिटी इंक्रीज, इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज रिमेंस कांस्टेंट. अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अ फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज. देखिए कहता है कि फार्मर का जो है, आपने देखा होगा जब आप गाँव में जाते हो तो वहां पर बहुत सारे जो है ना वो उनके पास बेड बकरिया होती है, किसी के पास काउ भी होता है. तो अब क्या रहा है, फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज. फार्मर के पास इतना फूड है कि वो 20 एनिमल्स को फीड कर सके 6 दिन के लिए. मतलब फार्मर के पास तो 20 ही एनिमल्स थे, तो उसके पास वो इतना उतना फूड उसने ला कर रखा है कि वो इन एनिमल्स को 6 दिन तक आराम से फीड कर पाए, ठीक है, इनको कोई तकलीफ ना हो. लेकिन How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? अब उसका नेबर जो है उसने कहा, भाई जी मैं जा रहा हूँ शहर 10 दिन के लिए, तो मेरे भी एनिमल्स आप संभाल लो. अब फार्मर के पास फीड गुजा कितने दिन का था, 6 डेज के लिए. अब नेबर ने भी उसको 10 एनिमल्स दे दिए, तो क्या वो जो उसके पास जो फीड था वो 6 डेज लास्ट करेगा? उसने जो फीड लाया था वो 20 एनिमल्स के हिसाब से 6 दिन के लिए लास्ट करता, लेकिन जब 10 और उसमें जुड़ गए तो नंबर ऑफ डेज तो कम हो जाएगा जितने दिन फीड लॉस हो जाएगा, जितने दिन हमारा फीड रहेगा जितने दिन हमारा गुजार रहेगा. सो ये क्या केस है, केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. जैसे ही नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ते, फूड हमारे पास सेम है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ गए तो फूड जो है वो लास्ट ऑफ 6 डेज नहीं करेगा, उससे कम दिनों तक उसका फूड जो है वो रहेगा. सो आई विल राइट हियर क्या कह रहा है, लेट अस सी हियर नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं. नंबर ऑफ एनिमल्स एंड नंबर ऑफ डेज कितने दिन फूड लॉस्ट करता है. अब देखो इसने क्या कहा, नंबर ऑफ एनिमल्स जो है यहां पर बच्चा, नंबर ऑफ एनिमल्स है 20, फूड लॉस्ट कितने दिन कर रहा है, 6 डेज के लिए. फिर ये कह रहा है, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लॉस्ट इफ 10 मोर एनिमल्स वर एडेड, If 10, there were 10 more animals उसके फील्ड में. So 20 तो पहले ही थे, अगर 10 more आ गए तो कितने हो गए, 30. तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लिखूंगा x. So मैं लिखूंगा let x be the number of, let x be the number of days the food will last for 30 animals. क्या लिखूंगा मैं, वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, कभी कभार 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. लेट x be the, ये नहीं जरूरी कि जो मैं लिख रहा हूं वही लिखना है आपको, अपनी तरीके से भी वर्डिंग लिखनी आनी चाहिए. लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज फूड लॉस्ट फॉर, फूड लॉस्ट फॉर 30 एनिमल. अब आप क्या कहोगे, आपने क्या कहा, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज फूड लॉस्ट फॉर 30 एनिमल. नाउ ये किसका केस है, सिंस दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, सिंस दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स, सिंस दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चा, सिंस दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, सो यू कैन राइट हियर 20 इनटू 6, ठीक है, इज इक्वल टू 30 इनटू x. तो इसके बाद आप क्या लिख सकते हो बच्चा, नाउ यू कैन राइट हियर 20 इनटू 6 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू x. सो क्या होगा, 6 वन जा 6, 6 फाइव जा 30, 5 वन जा 5, 5 फोर जा 20. So, इसका मतलब नंबर ऑफ डेज जो फूड लॉस करेगा दैट विल बी योर इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 4 डेज. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज फूड विल लॉस्ट बच्चा, द नंबर ऑफ डेज फूड विल लॉस्ट इज 4 डेज, ठीक है बच्चा. सो हमने क्या देखा यहां पर,
अगर 20 एनिमल है तो फूड जो हमारा लाश करेगा दैट विल बी फॉर 6 डेज, लेकिन जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ गए 30 एनिमल्स होंगे तो इसका मतलब हमारा जो फूड है दैट विल बी ओनली लास्टिंग फॉर 4 डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ए कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया? एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन कुड रिवाइव जसविंदर हाउस इन 4 डेज। कॉन्ट्रैक्टर एक है जिसको जसविंदर के हाउस का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसको उसको रिवाइव करना है, तो उसने देखा 3 लोग जो है इसके हाउस को रिवाइव कर सकते हैं इन 4 डेज, 4 दिन में। ही यूज 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ द 3, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। अब इसने कहा मुझे बाकी कॉन्ट्रैक्ट भी है तो मैं क्यों ना अपने बाकी कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट करूं, यहां पर मैं इतने दिन क्यों लगा रहा हूं जब मेरे पास और बंदे हैं। तो इसने एक और बंदे को बुलाया, तो अब हमें बताना है कि पहले अगर इसको 4 दिन लगते थे, अब इसने 4 बंदों को बुलाया तो कितने दिन लगेंगे। ये भी केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन है, नंबर ऑफ बंदे ज्यादा, नंबर ऑफ पर्सन मोर, टाइम टेकन विल बी लेस, नंबर ऑफ पर्सन लेस, टाइम टेकन विल बी मोर। सो आप क्या लिखोगे? सो ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन रिवायर जसविंदर हाउस इन 3 डेज, इन 4 डेज। सो आप लिखोगे यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं और नंबर ऑफ डेज कितने उसको लगे, नंबर ऑफ पर्सन एंड दिस इज योर नंबर ऑफ डेज। अगर नंबर ऑफ पर्सन 3 है तो उसको बच्चा 4 दिन लगे। नाउ अगर वो यूज करता है 4 पर्सन, हमें बताना है, अगर उसने यूज किया 4 पर्सन, हमें बताना है कितने नंबर ऑफ डेज उसके लगेंगे। सो आई विल से लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज व्हेन नंबर ऑफ पर्सन आर 4, व्हेन नंबर ऑफ पर्सन इज 4, व्हेन नंबर ऑफ पर्सन आर 4। ठीक है, मैंने क्या कहा, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज व्हेन नंबर ऑफ पर्सन आर 4। नाउ अगेन दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, सिंस ये आपको हर केस में लिखना है बच्चा, जो जी भी इनवर्स प्रोपोर्शन का केस होगा, जो डायरेक्ट का उसको डायरेक्ट लिखोगे। सिंस दिस इज, सिंस दिस इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन, सो क्या होगा यहां पर, हम क्या लिखेंगे, 3 × 4 इज इक्वल टू 4 × x। ठीक है बच्चा, नाउ वी कैन राइट हियर 3 × 4 / 4 इज इक्वल टू एक्स, 4 और 4 कैंसल, सो एक्स विल बी योर इक्वल टू 3। सो अगर नंबर ऑफ पर्सन 4 है सो इट विल टेक 3 डेज टू कंप्लीट द वर्क। कितने दिन लगेंगे बच्चा, सो इफ नंबर ऑफ पर्सन आर 4 इट विल टेक 3 डेज टू कंप्लीट द वर्क। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नाउ देखिए, ए बैच ऑफ बोटल वर पैकड इन 25 बॉक्सेस। क्या दिया गया है, मेरे पास एक बैच ऑफ बोटल्स है जिसमें हमने पैक किया इन 25 बॉक्सेस विद 12 बोटल्स इन ईच बॉक्स। हमने क्या किया, हमने एक ऐसा ही बैच ऑफ बॉक्स लाया जिसमें हम 12 बोटल को ईच बॉक्स में डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 12 बोटल्स को एक बॉक्स में डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें 25 बोटल्स लगी। क्या उस हिसाब से हमें 25 बोटल्स लगी, सारे 25 बॉक्सेस लगे सारे बोटल्स को पैक करने में। अगेन मेरे पास कुछ बोटल्स है तो मैं एक बॉक्स में 12 बोटल्स को डाल रहा हूं, तो मुझे 25 बॉक्स लगे सारे बोटल्स को पैक करने में। अब सेम बैच है लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने जो किया, मैंने एक उसी बोतल में, उसी बॉक्स में जिसमें मैं पहले 12 बोटल्स डाल रहा था, क्या कर रहा था, जिस बॉक्स में मैं पहले 12 बोटल्स डाल रहा था उसी बॉक्स में मैंने 20 बोटल्स डालना स्टार्ट कर दिए। क्या किया मैंने, जिस बॉक्स में मैं पहले 12 बोटल्स डाल रहा था उसी बॉक्स में मैंने 20 बोटल्स
डालना स्टार्ट कर लिए। तो अब मुझे बताना है कि अब कितने बॉक्सेस आपके यूज होंगे। ठीक है, सपोज आपने क्या किया, आप किसी जगह जा रहे हो, आपने चल कहा चलो हम घूमने जाते हैं, आपके पास कुछ सामान है, 12 जोड़ी सामान है आपका, तो आपने क्या किया, 6 जोड़ी सामान एक बॉक्स में पैक किया और 6 जोड़ी सामान दूसरे बॉक्स में पैक किया। लेकिन आपके मम्मा आई और उसने देखा कि आपने तो गलत किया, उसने सारे 12 के 12 जोड़ी एक ही बॉक्स में पैक किए। ऐसे ही क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो बॉक्स हमारे थे उसमें हम पहले 12 12 बोटल्स डाल रहे थे। कितना डाल रहे थे, 12 बोटल्स, तो हमें वो 25 बॉक्स यूज हो रहे थे, लेकिन उसमें कुछ जगह बच रही थी उन बॉक्सेस में, तो मैंने 12 बोटल्स की जगह उसी बॉक्स में 20 बोटल्स डाले। अब मुझे बताना है कि अब नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने मेरे यूज होंगे। तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, आई विल राइट हियर कितने बॉक्सेस यूज हो रहे हैं। सो आई विल राइट नंबर ऑफ बॉक्सेस, एंड कितने नंबर ऑफ बोटल्स यूज हो रहे हैं। देखिए, अब देखिए बच्चा, अगर मेरे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस 25 है, नंबर ऑफ बोटल्स इन ईच बॉक्स कितने थे मेरे, 12। ठीक है, अब सेम बैच में मैं नंबर ऑफ बोटल्स अगर 20 डाल रहा हूं तो मुझे बताइए नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने यूज होंगे। सो यहां पर भी मैं लिखूंगा एक्स, सो यहां पर भी सेम, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बॉक्सेस व्हेन नंबर ऑफ बोटल्स इन ईच बॉक्स इज 20। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बॉक्सेस यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ बोटल्स व्हेन नंबर ऑफ बोटल्स व्हेन नंबर ऑफ बोटल्स इन ईच बॉक्स इज 20। सो मैं क्या कहूंगा, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बॉक्स इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ बोटल्स इन ईच बॉक्स इज 20। नाउ अगेन, सिंस दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, सिंस दिस इज ए केस ऑफ, यहां पर मैं आप इनवर्स प्रोपोर्शन को आईपी लिखूंगा, समझ जाना, सिंस दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, सो आई विल राइट हियर 25 इंटू 12 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। ठीक है बच्चा, तो वो किसके बराबर आ जाएगा अब, सो आई कैन राइट दिस 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू एक्स। तो ये होगा 5 5s are 25, 5 4s are 20, 4 1s are 4, 4 3s are 12, सो 5 into 3 is 50। ठीक है, अब देखिए बच्चा क्या हो गया यहां पर। अब अगर मेरे पास, मैं उसी बॉक्स में, एक बॉक्स में मैं अगर 20 बोटल्स डाल रहा हूं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस यूज कितने होंगे, 15। इसको हम कर भी सकते हैं 25 into 12, अगर मुझे चेक करना चाहूं, अगर मैं चेक करना चाहूं क्या प्रोडक्ट इनका सेम है, 25 into 12 इज इक्वल टू 15 into 20, ये कितना होगा, 300। अब देखो 25 into 2 क्या होगा यहाँ पर बच्चा, 25 into 2 is 50, 0 and 5, 25 1s are 25, सो दिस विल बी योर 5, सो दिस विल बी 300। सो हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज, हमारा जो किया हमने दैट इज करेक्ट। सो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बोथ यूजर व्हेन नंबर ऑफ बोटल्स इन ईच बॉक्स इज 20। सो आप मुझे बताओ क्या होगा यहाँ पर, सिंस दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, सो नंबर ऑफ बॉक्सेस यूज्ड इज 15 व्हेन नंबर ऑफ बोटल्स इन ईच बॉक्स इज 20। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आज हमें ये पूरा खत्म करना है। ठीक है, नाउ ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। एक फैक्ट्री जो है वो काम हो रहा है उसमें, तो उसको चाहिए 42 मशीन्स आर्टिकल बनाने में इन 63 डेज। कुछ बना रहा है, कपड़े बना रहा है, टॉय बना रहा है, ये हमें नहीं पता है, हमें आर्टिकल बना रहा है, मतलब कुछ भी बना रहा है वो। नाउ हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड, अगर मैं चाहूं कि मेरा काम जो है सेम काम, सपोज मुझे 100 शर्ट्स का ऑर्डर मिला है, तो मैं कह रहा हूं अगर मैं 42 मशीन यूज करूंगा 100 शर्ट्स के बनाने में तो मुझे 63 डेज लगेंगे। लेकिन अब मैं चाहता हूं मेरा काम 54 डेज में हो जाए, तो मेरे पास जो है
कपड़े, मुझे 100 शर्ट्स अभी भी बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, अपने नंबर ऑफ मशीन्स इंक्रीज करूंगा। तो मेरे पास क्या था, 100 शर्ट्स बनाने थे, तो मैं क्या यूज कर रहा था, 42 मशीन्स यूज कर रहा था, तो मुझे 63 डेज लगे। अब सेम 100 शर्ट्स बनाने हैं, मैं चाहता हूं मेरा वर्क 54 डेज में कंप्लीट हो, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे अपने नंबर ऑफ मशीन्स को इंक्रीज कराना है। नाउ लेट्स सी, सो नंबर ऑफ मशीन्स कितने हैं, एंड नंबर ऑफ डेज कितने हैं। अगर नंबर ऑफ मशीन्स 42 है, तो मुझे लगते हैं बच्चा 63 डेज, ठीक है। अब मैं चाहता हूं मेरा काम जो है 54 डेज में कंप्लीट हो जाए, तो मुझे बताइए मुझे नंबर ऑफ मशीन्स कितनी चाहिए। लेट एक्स बी द अगेन, नंबर ऑफ मशीन्स यूज्ड इफ वी वॉन्ट टू फिनिश द वर्क इन, कितने डेज, 54 डेज। आगे लिखोगे सिंस दिस इज अ केस ऑफ, किसका केस है बच्चा, Since this is a case of inverse proportion, so आप क्या लिखोगे, 42 into 63 is equal to, क्या करोगे आप बच्चा यहां पर, that will be equal to x into 54, ठीक है। अब यहां पर देखिए, so यहां पर मैं लिख सकता हूं 42 into 63 divided by 54 is equal to x, ठीक है बच्चा। अब देखो मैं लिख सकता हूं यहां पर 3 2s are 6, 3 1s are 3, फिर यहां पर लिखूंगा 3 1s are 3, 3 8s are 24, ठीक है। अब यहां पर लिख सकता हूं मैं 3 7s are 21, 3 6s are 18, 6 1s are 6, 6 7s are 42, सो 7 into 7 क्या है, 49, सो एक्स इज इक्वल टू 49। सो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा काम जो है 54 डेज में कंप्लीट हो जाए, सो मुझे कितने मशीन चाहिए, सो आई नीड हियर 49 मशीन। कितने मशीन चाहिए मुझे, 49। सो अब जब आप इनका प्रोडक्ट भी करोगे ना, योर प्रोडक्ट विल बी सेम, सो आई विल बी नीडिंग हियर 49 मशीन। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्या कहता है, अ कार टेक्स 2 आवर्स टू रीच द डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, How long will it take when the car travels at the speed of 80 km? देखो, speed ज़्यादा तो time कम, speed कम तो time ज़्यादा, ये भी तो case of inverse proportion है, so हम क्या लिखेंगे, time speed, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, speed किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पर क्या लिखेंगे, time taken। अब मैंने कहा speed is कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, यहां पर किलोमीटर पर आवर नहीं लिखोगे क्योंकि साइड में तो हमें दिया है ना, स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन इज 2 आवर्स। अब कह रहा है अगर मैं स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर करूंगा, व्हाट विल बी द टाइम टेकन, सो वैसे ही लिखोगे, लेट एक्स बी द टाइम टेकन व्हेन स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर, लेट एक्स आवर्स बी द टाइम टेकन, व्हेन स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर। सिंस दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, अगेन सिंस This
इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। तो आप यहां पर क्या करोगे, 60 इंटू टू इज इक्वल टू 80 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे बच्चा, 60 इंटू टू डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू एक्स। सो यहां पर 0 एंड 0 कैंसिल, 2 वन जार 2, 2 टू जार 2, 1 जार 2, 2 4 जार 8। ठीक है, फिर यहां पर 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 वन जार 2, 2 डिवाइड बाई 3। अगर आप 3 डिवाइड बाई 2 करोगे ना, तो ऐसे 3 डिवाइड बाई 2, तो 2 वन जार 2, 3 माइनस 2 इज 1। अब 1 2 से छोटा है तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा, 2 5 जार 10। तो इसका मतलब मेरा टाइम टेकन कितना हो गया, 1.5 आवर्स। ठीक है, जरा करो, अगर इसको चेक करूंगा मैं, क्या होना चाहिए, 60 इंटू 20 शुड बी इक्वल टू 80 इंटू 1.5। अब देखो 60 इंटू 20 इज 180। सो जरा करो, देखो ऐसे भी कर सकते हो ना इसको, अगर किसी को मुश्किल होता है। 15 डिवाइड बाई 10, ये और ये कैंसिल हो गया ना, 8 फाइव जार 40, 0 एंड 4 कैरी, 8 वन जार 8, 120। सो आपका 120 120 के बीच बराबर आ गया। तो इसका मतलब हमने जो टाइम निकाला है, टाइम हमने सही निकाला है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ टू पर्सन्स फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 डेज। नाउ वन ऑफ द पर्सन फेल इल। दो पर्सन जो है, हाउस आपने घर बना रहे हो, आपको विंडोज फिट करने हैं, दो पर्सन जो है वो 3 दिन में विंडोज फिट करते हैं। नाउ अगर एक पर्सन बीमार हो गया और काम स्टार्ट होने से पहले ही वो बीमार हो गया, अब आपके घर एक ही बंदा आया, तो एक बंदे को काम करने में कितना टाइम लगेगा। अगेन इनवर्स प्रोपोर्शन का केस, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे। अगर आप चाहते हो कि एक ही दिन में काम हो जाए, तो आपको कितने पर्सन चाहिए। सही दिस बेटा, क्वेश्चन को एक बार देखिए। देखिए बच्चा क्या हो रहा है, मुझे क्या बता रहा है, टू पर्सन कुड फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 डेज। दो पर्सन 3 दिन में कर सकते हैं काम। वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। एक बंदा बीमार हो गया, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक। नाउ तो मैं कैसे लिखूंगा, दो पर्सन, सो पहले केस में अगर नंबर ऑफ पर्सन टू पर्सन गेट, नंबर ऑफ पर्सन टू है, नंबर ऑफ डेज कितने लगते हैं आपको, टू पर्सन कुड फिट द विंडोज इन 3 डेज। अब अगर एक बंदा बीमार हो गया, मतलब एक ही आ गया, सो आपको बताना है कितने डेज हमें लगेंगे। सो आई विल राइट, लेट एक्स, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय वन पर्सन, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय वन पर्सन टू फिट द विंडोज, टू फिट द विंडोज। अब बच्चा ये किसका केस है, सिंस सिंस दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन, सिंस दिस इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, दैट इज 2 इंटू 3 इज 6 इज इक्वल टू एक्स। सो अगर एक पर्सन काम करेगा, सो उसको कितने डेज लगेंगे, सो इफ वन पर्सन इज डूइंग द वर्क, उसको 6 दिन लगेंगे। देखा, अगर दो पर्सन काम कर रहे थे वो 3 दिन में करते, लेकिन अगर एक ही पर्सन अब काम कर रहा है, उसको कितने दिन लगेंगे बच्चा, उसको 6 दिन लगेंगे मुझे काम करने में। अब हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इज इन 1 डेज। अब अगेन अगर मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ पर्सन, ये सेकेंड पार्ट है, नंबर ऑफ पर्सन अगर 2 थे, नंबर ऑफ डेज कितने थे, 3। अब ये जहालत में आ गए, ये कह रहे हैं कि हमें एक ही दिन में सारा काम खत्म करना है, हम नहीं मानेंगे। तो क्या हो रहा है यहां पर, सो यहां पर आप देखोगे, अगर मुझे अब एक ही दिन में खत्म करना है, इनने मालिक से लड़ाई कर ली और ये चाहते हैं कि एक ही दिन में सारा काम खत्म हो जाए, सो व्हाट विल दे डू,
मैं लिखूंगा लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन वन डे. क्या लिखूंगा, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पर्सन्स, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन वन डे. तो मुझे बताइए, मैंने क्या कहा, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन वन डे. सिंस दिस इज द केस ऑफ, अगेन ये लिखना है बच्चा, ये जरूरी लिखना है, आपको बताना है एग्जामिनर को क्या ये इनवर्स है. एग्जामिनर को तो पता होगा, लेकिन वो चाहता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपने कहीं तुक्का तो नहीं मारा है. सिंस दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन, इसके बाद क्या होगा यहां पर, टू इंटू थ्री इज इक्वल टू एक्स इंटू वन. सो टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स इज इक्वल टू एक्स. सो व्हाट आर द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड, सो मुझे छह बंदे चाहिए अगर मुझे एक ही दिन में काम कंप्लीट करना है. क्यों आए, क्योंकि इनको गुस्सा चढ़ गया था, मालिक के साथ लड़ाई हो गई, उन्होंने बोला हमें तो आज ही के दिन खत्म काम करना है. तो इनको कितने पर्सन चाहिए, छह पर्सन चाहिए, ताकि ये कंप्लीट करे वर्क इन वन डे. चलिए इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम अगले दिन अगला सेशन स्टार्टअप करेंगे. नाउ लेट स्टार्ट विद द लास्ट एक्सरसाइज, विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. कह रहा है ए स्कूल हैज एट पीरियड्स इन अ डे ईच ऑफ 45 मिनट. देखो अगर आप स्कूल जाते हो, वहां पर आपको हर कोई क्लास अगर 45 मिनट की है, तो आप दिन में 8 क्लासेस दे सकते हो. कितने, अगर आपकी हर किसी क्लास की टाइमिंग 45 मिनट है, तो टीचर्स आपके 8 क्लास दिन में शेड्यूल कर सकते हैं. नाउ हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे. अब मैंने क्या कहा, मैंने पीरियड्स बढ़ा दिए. देखो अगर 45 मिनट की क्लास ले रहा हूं, तो मैं 8 क्लास दे सकता हूं, लेकिन अब अगर मैंने 9 क्लास, अब मैं चाहता हूं कि मैं 9 क्लास लूं, तो इसका मतलब मुझे टाइम तो पर क्लास कम करना पड़ेगा ना. तो दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, है ना, जितना क्लासेस ज्यादा होता टाइम पर क्लास विल बी लेस. सो लेट अस सी कि नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं एंड टाइम कितना है. नंबर ऑफ क्लासेस अगर 8 है, टाइम पर क्लास कितना है आपका, नंबर ऑफ क्लासेस 8, टाइम पर क्लासेस इज योर 45 मिनट. ठीक है, अब मुझे 9 क्लासेस देनी है, तो मुझे बताइए टाइम पर क्लास क्या होगा. अब अगेन वैसे ही, लेट एक्स बी द टाइम पर क्लासेस, व्हेन नंबर ऑफ क्लासेस पर डे इज 9, लेट एक्स बी द टाइम पर क्लास व्हेन नंबर ऑफ क्लास पर डे इज 9. तो आप देखिए, तो यहां पर क्या लिखूंगा, अगेन सिंस दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, सो 8 × 45 इज इक्वल टू 9 × x. अब देखो 8 × 45 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू x. सो 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, 8 × 5 = 40. सो मुझे कितनी मिनट्स की पर क्लास होनी चाहिए, सो मुझे पर क्लास तब होनी चाहिए 40 मिनट्स की. ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आपको कौन सा पसंद है, आपको दिन में 8 क्लासेस देना पसंद है या दिन में 9 क्लासेस देना, टाइम पीरियड कम हो जाएगा उसी हिसाब से. सो दिस वाज ऑल बच्चा अबाउट द डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. मैंने हर कोई क्वेश्चन कराया है, एग्जांपल्स कराए हैं. अगर आप इस सीरीज को अच्छे से देखोगे, आई होप कि आपका कोई भी कंसेप्ट यहाँ से जो है वो बिना अनक्लियर होकर नहीं जाएगा. सो दिस इज ऑल फॉर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. अगले सेशन में हम कोई और चैप्टर, आई गेस एक्सपोनेंट्स एंड पावर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो भी आपके टर्म वन में है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंजॉय योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज एवरीवन.